मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये रखा है पालक, ये रखा है कॉर्न, ये रखा है सुबह सुबह का नाश्ता बन रहा है ये चीज़, और ये रखा है बटर, और वो रखी है ब्रेड। ये हो गया उत्तपम का रेडी, वहाँ बन गए राजमा, यहाँ बन रहा है चावल। ठीक है, तो अभी इस सैंडविच को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे बटर। तो ये फिलिंग मैंने रेडी कर ली सैंडविच की, और इसमें अभी मैं तड़का लगाऊंगी करी पत्ता और राई का। ठीक है सर, इसकी रेसिपी पूरी आप देख लेना शॉर्ट्स में। ठीक है, इसमें भी लग गया तड़का, नमक भी डल गया है। अब ये जब खाएंगे तब मैं भी बना दूंगी, तब तक मैं बाकी पैकिंग कर देती हूँ, मिर्च नहीं डालती हूँ। और ये कितना बढ़िया पेस्ट बना है, हो गया गाढ़ा, देखो स्प्रेड जैसा हो गया, बिल्कुल ब्रेड स्प्रेड होता है ना जैसा, वैसा। हो गया हमारा पालक कॉर्न सैंडविच रेडी, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है, और बहुत ही टेस्टी है एक्चुअली। ये मेरा ये भी रेडी हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल देती हूँ। मैं साउथ इंडियन फूड ना कोकोनट ऑयल में बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। इनका लंच बॉक्स भी रेडी हो गया, पैक करके रख देती हूँ। अब मिहिका का करना है, तो मीका के दोनों लंच बॉक्स रेडी हो गए। ये मीका के लिए हमने कल ऑक्टोपस बनाया था, ये बेबी लेके जाएगी। अब मैं मीका के पानी की बॉटल भर देती हूँ, बस हम जा रहे हैं मीका को बस तक छोड़ने। चलो, पूरा घर फैला हुआ है इसलिए क्योंकि ना मैं मीका का एक सॉक्स ढूंढ रही थी और वो मुझे मिला नहीं, तो आज मुझे दूसरा पैर निकालना पड़ा उसके लिए। आके करूंगी मैं, थोड़ा वॉक करने जा रही हूँ, उसके बाद आके करती हूँ। ठीक है, वरना मेरा रूटीन रह जाएगा। मैं भी तो, मुझे भी तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है ना सबकी के साथ साथ। ठीक है, तो चलो चलो, मतलब मैं जाती हूँ और फिर आती हूँ, सीधा घर पे मिलते हैं आपको। पंखा बंद नहीं कर सकती मैं यहाँ, थोड़ी देर देर कर लेना, बहुत देर से मैं ना गर्मी में बैठी थी, अभी बस मैं पंखा चालू किया है, तो आवाज आएगी तो उसको बर्दाश्त कर लेना। तो मेरा सारा काम हो गया है, बस अब नाश्ता मेरा हो गया था, पहले ही कर लिया था मैं, प्रोटीन पाउडर सारा ही पीना था मुझे, तो हो गया मेरा। और क्या है, अभी बस थोड़ी सी घर की सोरा समेटा करके उसके बाद मैं कोई वीडियो बनाती हूँ। और मैंने कल बोला था कि स्किट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैंने शॉर्ट बना दी, मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई, तो अभी लॉन्ग वीडियो के बारे में अभी विचार चल रहा है, सोच रही हूँ। ओके, तो 12 बज गई है और मैं अपना लंच कर लेती हूँ, सेम राजमा चावल और खीरा लिया है मैंने, और थोड़े से नमकीन लिए हैं मैंने। हाँ, क्या राजस्थानियों को, एमपी वालों को ना बिना नमकीन के मज़ा नहीं आता कोई भी चीज़ खाने में, और बात मज़े की नहीं है, थोड़ा तो कुछ तो अपने मन का चाहिए रहता है, मतलब हमेशा ही आप डाइट करते रहो तो अपने मन को मार लो ऐसा भी नहीं होता ना, थोड़ा नमकीन तो चाहिए ही चाहिए। तो और अभी मैंने पंचायत ख़त्म कर लिया, पर वो अधूरा सा लग रहा है मुझे, सर भाई को पंचायत का सीज़न 3 भी आएगा है ना, ऐसा लग रहा है मुझे। अभी रिंकी की और उसकी शादी नहीं हुई ना तो होनी चाहिए। और कुछ नहीं, लाइट चालू है अंदर की, लाइट बंद कर गया हूँ, भूल गई भूल गई, मैं अभी काम ही कर रही थी इधर, तो हो गया पूरा काम हो गया। मतलब सिर्फ ये चीज इधर उंगली जा रही, ये चीज ना मुझे जरा अरेंज करनी है, बाकी हो गया सब। क्या देखूँ आज मैं टीवी पे, मैं एक्चुअली ना उस पर वो देख रही थी, मैं बताऊंगी, कुछ इजिप्शियन सीरियल है इंग्लिश में, वो देख रही थी। ओके, एक सैंडविच खा चुकी है और अब इसको खाना है न्यूटेला सैंडविच, खा लो। कैसे बनाओगे, प्लेट निकालो पहले तो, यहाँ छिपकली गिरी थी पता तुझे, छिपकली थी यहाँ पे, हाँ शी वॉज वेंडरिंग हियर एंड देयर, उठाओ इस चम्मच को और डालो उधर, आंटी धोएंगी, बस छिपकली का नाम लिया और चली गई। ले बोलो, तो हाथ में ब्रेड लेके आ गई तू मीका, अरे छिपकली घुस गई उसके अंदर, अपनी जगह चली गई, क्या लाइटें बंद थी ना तो उसको ऐसा लगा कि ये ना कोई भी नहीं, सब सो गए, पहले तो इसको बंद कर। चलो चलो, बना लो बना लो बना लो, फाटा फाटी फटा फाट, इस चम्मच से मत बनाना जो चम्मच गिरी थी नीचे। हाँ, और ये क्यों, हेलो ये क्या है, व्हाट इज दिस, है पूरा खाओ, एक एक खाओ, चुक जाओ एक एक पूरा फिनिश करो। हाँ तुरंत, इसमें गिरा था, क्या गिरा था,
मेघा मैं कुछ नहीं जानती, मैं इसको खिला के मानूंगी, तो मैं खिला पी मेरे हाथ से आकर मेरा ड्रामा नीचे नहीं, मुझे ड्रामा नीचे आकर हाँ न्यूट्रेला सैंडविच खा लेना, लेकिन ये भी खाना पड़ेगा। ये कोई बात थोड़ी ना होती कि खाना छोड़ दो और नया खाना बनाने लग जाओ। ये बन रहा है इसका नया खाना, नया खाना हुआ। चलिए ना, मैंने मीका की आज शाम को खाना नहीं बनाया, सैंडविच का थोड़ा सा ये बच गया था, तो मैंने कहा टेको जो खाना बता दे, ऑप्शंस दिए थे इसको मैंने, मूंग की दाल का शीला, उत्तपम या फिर सैंडविच, तो शी ऑप्टेड फॉर सैंडविच ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली बच्चा है। आकर आकर फिनिश करो फिनिश करो फिनिश करो, मैं कुछ नहीं जानती, नया फूड क्यों बना रहे हो? नहीं नहीं, यू शुड हैव फिनिश्ड इट फर्स्ट, लग जाएगा। आ करो आ करो, अबे मैं तब भी खाऊंगी, गिराना मत नीचे। टपड़ी दिखे आज तो, टपड़ तो रोज दिखती है। गुड गर्ल, गुड 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 गर्ल, बन गया। अभी एक एक बना के खाओ मीका, है ना, दो दो मत बनाओ प्लीज, फिर वेस्ट होगा। अभी एक बनाओ, ठीक है, एक खा लो, फिर और बना लेना आके, पहले एक फिनिश कर लो, ले जाओ चम्मच भी ले, चाट लेना इसको। तो के साथ ना दिन भर हेल्दी हेल्दी भी नहीं कर सकते हैं, बीच में उनको थोड़ा बहुत देना भी पड़ता है ये सब चीजें, बच्चे ही है ना आफ्टर ऑल। तो ठीक है, उसने खा लिया, हो गया उसका। और आज तो कुछ था ही नहीं हमारे ब्लॉग में, कुछ खास था ही नहीं, बोरिंग ब्लॉग था आज का, बोरिंग ब्लॉग, मिड पैट चल रहा है हमारे। वैसे इनके भी ऐसे ही रहते हैं जैसे मेरे रहते, पता नहीं इनको क्यों इतना प्यार देते हो आप, हमें नहीं देते। हमारे पास भी पैसा आ जाता हम भी बना ले ऐसी वीडियोस, एंड दे मतलब ये तो नहीं फिर भी, पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत फूड वेस्ट करते हैं, उनकी तो इतना चलते हैं पूछो मत। अगले जन्म में ना आंखों से चुनना पड़ेगा खाना जो फूड वेस्ट करेगा। हाँ बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो बहुत फूड वेस्ट करते हैं, फिर उनके उसमें कमेंट में लिखो ना कि आपने फूड वेस्ट किया, तो बोलते हैं कि इट वॉज एक्सपायर्ड फूड। अभी रोज रोज इतना एक्सपायर्ड फूड, तो मतलब आपके अंदर फूड मैनेजमेंट की कोई वो नहीं है, एबिलिटीज नहीं है, यू कैन नॉट मैनेज। फूड मैनेजमेंट होना चाहिए ना कि भाई अगर आज हम इतना खाते हैं, तो अगर मुझे पता है कि हम एक कटोरी आटे में हमारी रोटियां हो जाती, तो मैं एक ही कटोरी आटा लगाऊंगी ना, कि मैं 5 कटोरी आटा लगा लूंगी पहले, कि हाँ इसको अभी कल ये जो है एक्सपायर होगा, फिर मैं कल इसका कुछ कुछ करूंगी, वीडियो बनाऊंगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट राइट। वीडियो बनाने के लिए फूड वेस्ट कर दो। चलो मीका तो अभी खा रही है, मीयू के पापा भी आने वाले हैं अभी ऑफिस से तरबूज लेके, अभी हम 2 दिन से पपीता खा रहे हैं, अब मैं पपीता से बोर हो गई, मैंने कहा तरबूज ले आना आज, तो आम तो खाया ही नहीं मैंने इसमें, इस सीजन में एक भी आम नहीं खाया, एक भी, सोचा था कि वेट लूज हो जाएगा बट हुआ नहीं। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, पता नहीं क्यों है ऐसा, जबकि मैं अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, फिर भी। मैंने ना कल का व्लॉग ही एंड नहीं किया था, कल रात हो गई थी एक्चुअली, तो ब्लॉग एंड ही नहीं कर पाई मैं, तो मैं उस ब्लॉग का भी एंड कर रही हूँ। और एक चीज़ बस ऐसे ही बोल रही थी मैं, जब ना मैं मतलब मेरी शादी की बात चलती थी ना, एक ऐसी फैक्ट शेयर कर रही हूँ, तो मैं कहती थी मेरी ना शादी ऐसे घर में मत कराना जहाँ पे ना साड़ियाँ वाड़ियाँ पहननी पड़े ज़्यादा, मतलब बंदिश में रहना पड़े, हम राजस्थानी लोग हैं ना, तो हमारे यहाँ थोड़ा ऐसे ही होता है कि, और जहाँ मैं रही हूँ स्पेशली वहाँ तो ऐसा होता ही होता है कि घूंघटे पल्ले सब लेके रहना पड़ता है। तो मैं तो मेरी मम्मी को, ताई जी, चाची वगैरह इन सबको देख देख के थक गई थी, मैंने कहा बेचारी औरतें ना यहाँ तक के पल्ले, यहाँ तक के पल्ले ले लेके रहती हैं और हमेशा साड़ी में बंध के रहती, तो मैंने तो ठान ली थी कि मेरे को तो ऐसे घर में शादी नहीं करनी जहाँ पे साड़ी पल्ला और ये सब झंझट हो। और अभी मैं रीले बनाने के लिए रोज साड़ी पहनती हूँ, कर्मा मेरा। लेकिन हाँ मैं थोड़ी देर ही पहनती हूँ, फिर मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर रील वील बना के। आजकल पता नहीं क्यों यार ये बनानी पड़ती है ना रील्स, तो साड़ी अब मैं सोच के भी एज के अकॉर्डिंग तो ड्रेसअप तो थोड़ा सा कर ही लेना चाहिए, तो इसलिए तो बस ये पता नहीं ये मैंने जो शेयर किया ये मतलब मुझे क्या मतलब कोई मतलब भी है इसका कि नहीं, कि मैंने ऐसे ही शेयर कर दिया, बस बस कर दिया, जो जो देख लेना ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, करते नहीं हो।
क्यों नहीं करते, कर दो यार, थोड़ी तो हेल्प करो। नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।